बनाए हुए हैं और आज सुबह 7 बजे से जैसे ही मतदान शुरू हो गया है, 3 बजे तक मतदान चलेगा। गोमिया का आपने अभी भी देखा कि किस तरह से मतदाता वहाँ लंबी कतार में नजर आए और अपने अपने मत का प्रयोग करते हुए वोटिंग जारी कर रखे हैं। तो गोमिया सीट से आपको बता दें, गोमिया विधानसभा सीट के उम्मीदवार माधवलाल सिंह बीजेपी से, लंबोदर महतो आजसू से और बबीता देवी जेएमएम से हैं। वहीं सिल्ली विधानसभा सीट के उम्मीदवार सुदेश महतो और सीमा महतो हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की गठबंधन वाली पार्टी आजसू ने गोमिया और सिल्ली दोनों विधानसभा सीटों से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। गोमिया सीट पर बीजेपी को टक्कर आजसू और जेएमएम दोनों दे रही है, जबकि सिल्ली सीट पर आजसू और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर है। तो अब सीधे रुक कर लेते हैं सिल्ली से, जहां से हमारे विशेष संवाददाता राज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, अभी क्या कुछ वहां की स्थिति है, कितने मतदाता आपको दिख रहे हैं, क्या लंबी कतार नजर आ रही है? राज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दोबारा हम राज से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें तब तक कि सिल्ली और गोमिया उपचुनाव आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान चलेगा। कुल 23 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होना है सिल्ली और गोमिया मिला के, जहां पर सिल्ली से 10 और गोमिया से 13 प्रत्याशियों के आज भाग्य का फैसला होगा। 31 मई को इसका रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि आखिर किस में कितना दम है, गोमिया और सिल्ली में कौन राजा है। अपनी आपको बता दें कि इस तरह गोमिया में 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें आजसू के लंबोदर महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बबीता देवी, भाजपा के माधवलाल सिंह, झामुमो उलगुलान के उमेश महतो, लोक जन विकास मोर्चा की जूली देवी, झारखंड दिशोम पार्टी के देवनारायण मुर्मू, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मोहम्मद सुल्तान, निर्दलीय खुदीराम महतो, गौतम तिवारी, टेक चंद महतो, धनंजय कुमार प्रजापति, निखिल कुमार सुरेन और हेमलाल महतो शामिल हैं। वहीं जेएमएम ने दोनों सीटों पर दोनों की पत्नियों को टिकट दिया है। वहीं सिल्ली सीट पर आजसू के सुदेश महतो को खड़ा किया गया। पिछली बार चुनाव में सुदेश महतो को हरा कर ही अमित महतो सिल्ली सीट पर कब्जा किए थे, इसलिए इस बार सुदेश महतो को भी इस सीट को जीतने के लिए अंतिम दिन तक पूरी ताकत झोंकी है और आज पता चलेगा कि आखिर सुदेश महतो के भाग्य में क्या लिखा है। वहीं गोमिया सीट को जीतने के लिए बीजेपी ताल ठोक रही है। आपको बता दें कि प्रचार के अंतिम दिन तक झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खुद मोर्चा संभाला हुआ था, एक बड़ी रैली को संबोधित किया था और उस रैली के बाद प्रचार प्रसार भी थम गया था। आज देखना होगा कि जनता किसके सर पर अपना हाथ रखती है। गोमिया विधानसभा सीट के उम्मीदवार माधवलाल सिंह, लंबोदर महतो, बबीता देवी, सिल्ली विधानसभा सीट के उम्मीदवार सुदेश महतो और सीमा महतो के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं इन दोनों के अलावा भी अगर हम बात करें तो बिहार की एक सीट है जोकीहाट, वहां पर भी उपचुनाव को लेकर तैयारी हो गई है, आज उस पर भी मतदान होना है। तो एक बार फिर हमारे विशेष संवाददाता राज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिल्ली से। राज, क्या कुछ अपडेट अभी तक निकल कर आया है, कितनी लंबी कतार देखने को मिल रही है सिल्ली में? बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखाएं कि अभी फिलहाल हम मौजूद हैं सिल्ली में और सिल्ली में भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का एक तरह से कहें कि बीचों बीच हम हैं अभी, और यहाँ पर जो स्थिति है अभी वो ये है कि ये मतदान केंद्र 61 है और यहाँ पर सुबह से ही लंबी कतारों में महिलाओं को आप देख पा रही हैं, और साथ में जिस तरीके से जो महिलाएं हैं खासतौर से अभी
कई इलाकों से जब हम घूमते हुए यहाँ पहुंचे हैं तो उन इलाकों में भी महिलाओं की अच्छी खासी संख्या मतदान केंद्र के बाहर दिखाई दी। उसी तरीके से पुरुष मतदाताओं की जो आप लंबी कतारें यहाँ देख पा रहे हैं, ये दरअसल सिल्ली में किस तरीके से मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता है, क्योंकि अपने आप में ये सीट एक तरह से इस पर सबकी नजरें अभी टिकी हुई है। चूंकि यहाँ से खुद आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो मैदान में है, दूसरी तरफ अमित महतो की पत्नी सीमा महतो मैदान में है। अमित महतो इससे पहले 2014 में सुदेश महतो को हराया था, उस वक्त उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ा था और वो यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन एक कानूनी मामले को लेकर जो है उनकी सदस्यता चली गई। सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट का आरोप उनके ऊपर था, कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और उनकी सदस्यता चली गई। उपचुनाव अभी हो रहे हैं, लेकिन 2019 में एक बार फिर से झारखंड में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इस उपचुनाव को एक तरह से लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। साथ ही साथ ये उपचुनाव जो है कई मायनों में खास है, क्योंकि पहली बार झारखंड में सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुट नजर आ रही हैं। अमित महतो की पत्नी सीमा महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैदान में उतारा है और कांग्रेस, आरजेडी, जेबीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम दल जो हैं एक साथ हैं। दूसरी तरफ सुदेश महतो हैं आसू पार्टी से, उनकी साख का भी सवाल है। यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है मेन इस चुनाव में? हम नहीं जानते हैं। क्या चाहिए आपको अपने विधायक से? विकास चाहिए, क्या चाहिए बताइए? रोड, पानी, बिजली, सड़क, समस्या क्या क्या है? समस्या बताइए, दिक्कत क्या क्या है? हम नहीं जानते, हम ही तो पूछे। अच्छा, आप लोग बताइए दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत देखिए, ग्रामीण महिलाएं हैं तो इस वजह से बातचीत करने में थोड़ा हिचक रही है, लेकिन आप जिस तरीके राज, अगर बात करें कि मतदाताओं से, अपने बात की महिला मतदाताओं से, उनको ये तक नहीं पता कि वो वोट क्यों कर रही है, मतलब मुद्दा ही नहीं पता है और ऐसी वोट करने जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर सवाल है कि मतदाता आंख बंद कर सिर्फ बटन दबाकर चले आएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है आशीष। आमतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में महिलाएं जो है खासतौर से जब बाहर निकलती हैं तो वो बात करने में हिचकती हैं। ऐसा नहीं है कि इनको मुद्दा मालूम नहीं है या मुद्दों को नहीं जानती हैं, ये मुद्दों को बखूबी समझती हैं, मुद्दों को जानती हैं और जागरूकता जो है ये साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से सुबह कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान, उसी को ध्यान में रखते हुए जो तमाम लोग हैं मतदाता हैं वो सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर उमड़े हैं। खासतौर से जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ की महिलाएं बचती हैं इस तरह के बातों को सामने रखने से, या जो उनके मन में या जहन में रहता है वो पहले से डिसाइड कर चुकी होती है कि उन्हें किसे वोट देना है और किस मुद्दे पर वोट देना है। ये उनके क्रिस्टल क्लियर रहता है उनके दिमाग में कि वो फलाने कैंडिडेट को वोट करेंगे और उनके वोट करने के पीछे का मकसद या वजह ये है। तो ये कहना कि मुद्दे मालूम नहीं है, ये थोड़ा गलत होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरा चुनाव जो है ना सिर्फ सिल्ली के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बल्कि झारखंड की राजनीति के लिए भी। बने रहिए, आप सीधे रुक लेते हैं गोमिया का जहां से हमारे विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, गोमिया में कह सकते हैं कि सुबह से ही मतदाताओं का रुझान है, काफ़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर खड़े हैं अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। अभी हम पेटरवार के राजकीय कृत मध्य विद्यालय पेटरवार में खड़े हैं, यहाँ 3 बूथ है। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं, लोगों का जोश जो है वो कम नहीं है। लोगों से हमने बात भी की और हमारे साथ कुछ यहाँ लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है, जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया जारी है तो एक बदलाव की चाहत है क्या, क्योंकि 3.5 साल में ही यहाँ चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं? ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि लोग बदलाव चाहेंगे और जो भी उम्मीदवार आगे बढ़ेंगे उम्मीद की जाएगी कि क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करें। 1.5 साल में कुछ होने जाने को नहीं है, लेकिन जो भी उम्मीदवार जीते और अच्छा करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आगे भी उनको अवसर मिले। और हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि जो भी अभी अच्छा काम करें आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से क्षेत्र का विकास होगा और उनका ही बना रहेगा। तो एक बदलाव की उम्मीद से दे रहे हैं, क्या लग रहा है आप किस उम्मीद से वोट देती हैं? महिला हैं उसके बावजूद भी लाइनों में लग के, लंबी लाइनों में लग के, कतारों में लग के वोट देती है, क्या उम्मीद रहता है? उम्मीद क्या रहता है कि बढ़िया हो बस, और क्या उम्मीद रहेगी? विकास के कारण बढ़िया उम्मीद हो
और महिला लोग को जो सपोर्ट किया जाए अच्छा हो, बस इतना ही है। महिलाओं को हिस्सेदारी मिले ये मानना है। आप बताइए नेताजी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, गोमिया का समीकरण क्या कहेगा, क्योंकि कतारें काफ़ी लंबी है। ऐसे 3.5 साल में ही दूसरा चुनाव हो रहा है, तो इसमें लोग जो 3.5 साल का कार्यावधि देखा है, लोग चाह रहे हैं कि इसमें बदलाव जरूरी है। और क्षेत्र का विकास, हमारी जनता जो है वो तो चाहती है कि कोई भी आगे आए, कोई भी विधायक बने तो इस क्षेत्र का विकास हो। और इसी उम्मीद से सारे लोग जागरूक होकर के आज सुबह से लाइन में लग करके इतनी लंबी कतारें में अपने आप को, अपना मत दान कर रहे हैं। चुनाव के लिए जो जनता जिसे भी चुनती है, एक 5 साल का टेन्योर देती है किसी भी जनप्रतिनिधि को, लेकिन एक दाग लगा है गोमिया पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं, ये लोगों सबसे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग का यही सोच है कि हमारा क्षेत्र का विकास हो, हर चीज़ का जो सुविधा जो सरकार हमें दे रही है वो सुविधा हम सबको मिले हर तरह से। और कुछ लोगों को जागरूक भी होने की ज़रूरत है कि जो हुआ सो वो आइंदा ना हो, बस यही से। आप महिला हैं, क्या लगता है कि वोट दीजिएगा तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा इस बार? जरूर मिलेगा, महिला को वोट जरूर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं लोगों में एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि अगर ये वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे तो इन्हें जो अधिकार है, जो विकास के कार्य हैं, जो गोमिया को चाहिए, जो अधूरा कार्य पड़ा हुआ है वो पूरा होगा। और इसी उम्मीद के साथ जनता हर बार मतदान की प्रक्रिया में भाग लेती है। मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के पीछे जनता का सिर्फ और सिर्फ यही स्वार्थ रहता है कि क्षेत्र का विकास हो, लेकिन जनप्रतिनिधि इन बातों को भूल जाते हैं मतदान में की प्रक्रिया के बाद। और जब उन्हें यहाँ से चुन कर भेजा जाता है तो वो विकास के कार्यों को भूल जाते हैं। आप बताइएगा भैया, आपने वोट दे दिया जी सर, क्या लग रहा है, वोट क्या चीज़ को सोच के दे रहे हैं? वोट का एक ही मुद्दा है, विकास। विकास जो करेगा उसको हम वोट दे दिए जी। अभी तक विकास हुआ है गोमिया में? विकास थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत बाकी है जी। तो 20 साल एक जनप्रतिनिधि रहे और भी लोग रहे, 3.5 साल की सरकार भी रही, तो क्या विकास के कार्य जितने दावे किए जा रहे हैं उस अनुसार नहीं हुआ? सारे दावे खोखले हैं। और अभी तक 40 साल में 2 टर्म विधायक रहे, 3 टर्म विधायक रहे, लेकिन अभी तक शिक्षा का सुधार नहीं हुआ है। अभी तक डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर नहीं हुआ है पेटरवार में। यहाँ के बच्चे लोग मैट्रिक पढ़ते हैं, इंटर पढ़ते हैं, घर में बैठ जाते हैं, समझ गए ना? और कोई विकास नहीं हुआ। स्वास्थ्य में भी इसी तरह है, शिक्षा में उसी तरह है, रोड में भी इसी तरह। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो सड़क, ये 3 मूलभूत सुविधाएँ हैं, इनमें विकास नहीं हुआ ऐसा कहना है। आप एक बार फिर दिखाएंगे कि सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी पुख्ता व्यवस्था की गई है, तमाम तरह के बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। आप देख सकते हैं पूरे परिसर में, ये जो मध्य विद्यालय का परिसर है इसमें 3 बूथ है, और इसको लेकर दंडाधिकारी के साथ साथ जो पर्यवेक्षक हैं उनके साथ साथ जो पुलिस बल के जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो और जो शांतिपूर्वक जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है वो मतदान की प्रक्रिया जो है वो सम्पन्न हो। जी राजीव बने रहिए आप हमारे साथ, हम अब रुक कर लेते हैं सिल्ली का, जहां से हमारे विशेष संवाददाता राज जुड़े हुए हैं। राज, एक आखिरी कमेंट कि आखिर ये चुनाव 2019 के चुनाव पर क्या असर डालेगा? बिल्कुल, देखिए 2019 से पहले इस चुनाव कई मायनों में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आशीष, की कई मायनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें कई नेताओं की साख जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां सुदेश में तो झारखंड में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन 2014 में जिस तरीके से उनकी हार हुई उसके बाद से एक ब्रेक लगा उनके राजनीतिक करियर पर, उनके लिए भी ये चुनाव का खास मायने रखता है। और सबसे अहम यह है कि 2019 में पूरा विपक्ष, जिसकी कवायद पूरे देश के भीतर अभी जारी है, जिस तरीके से कर्नाटक में कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 11 अलग अलग पार्टियों के दल के नेता जो हैं वो एक मंच पर नजर आए, तो उसी तरीके से झारखंड में भी ये पहली बार है जब किसी उपचुनाव में तमाम विपक्षी दल जो है एक साथ नजर आ रहे हों, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, झारखंड विकास मोर्चा की बात कर ले, ये सभी दल जो है
एक साथ पहली बार आए हैं, और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सभी मिलकर एनडीए को मात दे सकते हैं। दूसरा सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में बीजेपी और आरएसयू के बीच की जो बीच के जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते की भी परीक्षा होनी है। जिस तरीके से सुदेश महतो सिल्ली में कैंपेन करते रहे, और सुदेश महतो के इस कैंपेन के दौरान भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता यहां नहीं पहुंचता, या झारखंड